प्रकृति हमें जीवन देती है और हमें गतिमान रखती है ऊर्जा, और ऊर्जा की सतत आवश्यकता भारत जैसे देश के लिए है बहुत जरूरी। और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए सशक्त प्रयास और देश में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए लागू हुई नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। साथियों, बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला। बायोफ्यूल यानी फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। और देश में शुरू हुई एक बायोफ्यूल क्रांति, पर्यावरण सुरक्षा के इन प्रयासों के साथ कदम मिला रहा है इंडियन ऑयल, और 900 करोड़ रुपए की लागत से पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है एक एडवांस्ड 2G एथेनॉल प्लांट। भारत विश्व के चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो कर रहे हैं 2G एथेनॉल का उत्पादन। प्रधानमंत्री जीवन योजना के अंतर्गत ये प्लांट कृषि अपशिष्ट से बनाएगा प्रतिदिन 100 किलोलीटर एथेनॉल, यानी सालाना CO2 का उत्सर्जन होगा 3,00,000 टन तक कम। क्षेत्र के 1,00,000 से अधिक किसानों से सीधे प्राप्त किया जाएगा कृषि अपशिष्ट, और क्षेत्र के 300 से अधिक नागरिकों को प्लांट के माध्यम से मिलेगा रोजगार, यानी बढ़ेगी स्वच्छता और ग्रामीण रोजगार। कृषि अपशिष्ट जलाने से होने वाले प्रदूषण की जगह अब किसान का बढ़ेगा लाभ, जिससे क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बढ़े कदम। हर कदम सशक्त और आत्मनिर्भर बने हम, ताकि देश बनेगा स्वच्छ, सुदृढ़ और समृद्ध। नेट जीरो एमिशंस 2070 की ओर बढ़ रहा है देश। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए कमर कस चुका है तेल व गैस उद्योग, और मना रहा है विश्व जैव ईंधन दिवस। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी स्थित सेकेंड जेनरेशन एथेनॉल प्लांट का राष्ट्र को समर्पण।